इफ्तिकार अहमद की एक वीडियो वायरल हो रही है, काफी लोग बात कर रहे हैं कि भाई क्रिकेट तो तुम्हारे पास खेली ना जावे, क्या जिम ट्रेनिंग का काम कर रहे हो या कैसे कर रहे हो बताओ, क्या कैसे लड़ाई बजाओगे या कैसे, मतलब क्रिकेट तो तुम बता खेली जावे ना है। आप ये देखो कि जिस हिसाब से पाकिस्तान की क्रिकेट में एक भौचाल मचा हुआ है, लोग बात कर रहे हैं शाहीन अफरीदी बाबर आजम की लड़ाई हो गई है और इफ्तिकार अहमद को भी, जिस हिसाब से एक जिम करता हुआ देख रहे हो, लोग उन पर बात कर रहे हैं, तू है क्या बुजुर्ग खिलाड़ी, तो छक्के तो बना लगे, मैच तुम बना जिताए जा, टॉस बॉल तेरे पास ना खेली जा, फिर जिम की वीडियो बताओ क्यों डाली आपने। जब कुछ एक कोई कारनामा बढ़िया कर रखा होगा तो आप जिम की वीडियो भी डाल सको। विराट कोहली अच्छा लगा जिम की वीडियो डालते हुए, तू बता क्यों कर रहा बताओ, कुछ परफॉर्मेंस ना है, मतलब जो लोग चाचा बोलते हैं आपसे तो उनको एक मुंह तोड़ जवाब दे रहे हो, मैं चाचा नहीं, मैं तो यंग लड़का हूँ और मैं तो जिम भी ऐसे कर रहा हूँ। जिम करने को तरीका देखो, ऐसे लग रही है कि यू क्रिकेट के मारे जिम कर रहा है या फिटनेस बनाने के मारे जिम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे किसी लड़ाई करने के मूड में हो। और पाकिस्तान की आपने देखा होगा कि वर्ल्ड कप से पहले इन्होंने पहाड़ में ट्रेनिंग कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई गाड़ी भरने की प्रैक्टिस कर रहे हो। और परफॉर्मेंस आपने देख ली कैसी परफॉर्मेंस आपने देखी होगी कैसी परफॉर्मेंस थी, जब आप इनको पहाड़ पर चढ़ाओगे, अब जिम ट्रेनिंग देखो, कभी गद्दों पर आप इनकी प्रैक्टिस करा रहे हो, आप क्रिकेट खिला रहे हो या कोई ढोंगबाजी करा रहे हो, क्रिकेट की जब खेल रही है तो आपकी टीम तो क्रिकेट की प्रैक्टिस कराओ, कभी पत्थर भरवा में कभी जिम की देख ऐसी वीडियो डाल रखी, तो सारा मान जाए कि पाकिस्तान की टीम की ऐसी हालत हुई पड़ी है कि सबसे ज्यादा जो बकवासबाजी पाकिस्तान की टीम में, कभी कैप्टन सुकाई की लड़ाई हो जावे, कभी शाहीन अफरीदी वाकई टांग खाए उस तरह बाबर आजम की। और एक और बात बता दें, बाबर आजम जैसे खिलाड़ी ने पाकिस्तान की दुनिया माना है, जो एक आपके पास एक ही खिलाड़ी है वाको बार बार ट्रॉल कर रहे हो, बार 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 टॉर्चर कर रहे हो, तो ये गलत बात है, कदी नुक भाई ये हो जाता है। अब पाकिस्तान की बात करो, जैसे इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर आपने देखा होगा टीवी पर बाबर आजम के खिलाफ बहुत ज्यादा बकवासबाजी कर रहे थे कि भाई ये T20 का कोई खिलाड़ी नहीं है, फिर उसकी कैप्टनी में आप खेल रहे हो जाकर, ये एक साजिश थी। T20 वर्ल्ड कप कैसे ना जीते, यही मार ना जीते, जब तक आप ऐसा नहीं खेलोगे, एक एकजुट होकर क्रिकेट नहीं खेलोगे तो आपकी टीम जीत नहीं पाएगी। और पाकिस्तान की ये हालत है, सब तो बना कैप्टनी को भगे हैं, इनने ग्रुप बना रखे, कोई रिजवान को आदमी है, कोई शाहीन अफरीदी को आदमी है, शाहीन अफरीदी का चौधरी बना डोला है, क्योंकि भाई साहब आपको जो ससुर है वो भाई बहुत ही बड़े लेजेंड है शाहीन अफरीदी, वो भी उनके बारे में बात करते रहते हैं। और अभी बोल रहे थे कि भाई शाहीन अफरीदी बोल रहे थे कि हमने बाबर आजम को बहुत मौके दिए, इसी किसी कैप्टन को नहीं दिए। आप ये देखो कि एक टीम कैसी है बताओ, अब चार चार आदमी ने जो एक दो साल से वक्त बुराई कर रहे बाबर आजम की, उन्होंने एकदम टीम मलार घेर दे, तो एक जुट होकर टीम कैसे खेलेगी। और जो USA के जो एक सुपर ओवर हुआ था उसमें बाबर आजम की चॉइस नहीं थी कि मैं मोहम्मद आमिर को बोल दूं, वो नसीम शाह को बोलते थे या शाहीन अफरीदी को बोलते थे, महमूद ने बोला था कि मोहम्मद आमिर को बोल दो। जब एक कैप्टन के चल नहीं रही है मैच में, बाहर से आप कोचिंग स्टाफ के बंदे चला रहे हैं, तो आपकी टीम कैसे जीतेगी। जो कैप्टन के पास इतनी फ्रीडम नहीं है कि मैं अपना फैसला आप ले सकूं, तो टीम नहीं जीतेगी। तो बहुत ही ज्यादा बवाल हो रही है, और इस वीडियो देखो कि कैसी ट्रेनिंग कर रहा है बताओ, बुजुर्ग आदमी हो रहा, कम से कम 50 साल का है और फिर भी 34 साल की एज दिखा रखी है लगभग। तो पाकिस्तान पर एक पहाड़ सा टूटा हुआ है जिस हिसाब से क्रिकेट हो रही है। तो क्रिकेट की खबरों के लिए प्लीज चैनल सब्सक्राइब।